वही बुरहानपुर जिले के शाहपुर में करोड़ों की लागत से बना बस स्टैंड इन दिनों आज असामाजिक तत्वों और अवैध धंधों का अड्डा बन चुका है। यहाँ तहसील कार्यालय, पटवारी कार्यालय और बस स्टैंड तीनों ही विभाग के दफ्तर बने हुए हैं। बावजूद इन दफ्तरों की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, जिसके चलते नगर पंचायत का नया बस स्टैंड खंडहर होता नजर आ रहा है। बता दें कि यह करोड़ का भवन खंडहर बन चुका है, जिसकी सूद लेने वाला कोई नहीं है। जब इस संबंध में कांग्रेस नेता मुकेश बुंगाल जी को शाहपुर नगर पंचायत में नेता प्रतिपक्ष भी हैं, उन्होंने कहा कि यहां देखभाल करने वाला कोई नहीं है और असामाजिक तत्वों ने यहां डेरा डाल रखा है, जिससे कई अवैध धंधे संचालित हो रहे हैं। देखिए, नगर परिषद शाहपुर कुल मिला के अव्यवस्थाओं का केंद्र बना हुआ है। आज नगर परिषद में अगर आप आज अभी 11:30 बजे का समय हो चुका है, 12 बजे तक भी कोई कर्मचारी आपको नहीं दिखेगा। जिस नगर परिषद में 12 बजे तक सीएमओ या कर्मचारी नहीं आते, उसकी अव्यवस्था होना जायज सी बात है। आप देखेंगे कि नए बस स्टैंड पर असामाजिक तत्वों के साथ साथ वहाँ सट्टा, जुआ, पत्ता सारे अड्डे बने हुए हैं और कुछ अवैध धंधे भी चल रहे हैं। उनके बारे में नगर पालिका का काम है, नगर पालिका कर्मचारियों का काम है कि वो ध्यान रखें, लेकिन जब वही लोग वहाँ उपस्थित नहीं है तो क्या ध्यान रखेंगे।